नमस्कार। इस चुनावी समर में पश्चिमी राजस्थान यानी मारवाड़ में आज भाजपा के दो स्टार प्रचारक दौरे पर रहेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया आज मारवाड़ में अपने वोटर्स को साधने की कोशिश करेंगे। अगर योगी आदित्यनाथ की बात करें तो सबसे पहले वो आबू रोड आएंगे और आखिरी में उनकी सभा जोधपुर शहर में होगी। इसके अलावा योगी आदित्यनाथ आहोर जाएंगे और साथ ही साथ सांचौर में सभा करेंगे, शिव में करेंगे और शिवाना में करने के बाद वो जाएंगे सीधा जोधपुर शहर में एक रोड शो करेंगे। और अगर बात वसुंधरा राजे सिंधिया की करें तो वसुंधरा राजे सिंधिया स्वरूपगंज, उसके बाद भीनमाल के बाद धोरीमन्ना और झंवर, इन जगहों पर जो है अपनी सभाएं करेगी, अपने वोटर्स को साधने की कोशिश करेंगे। अब हम समझाने की कोशिश करेंगे कि योगी आदित्यनाथ और वसुंधरा राजे सिंधिया के इस मारवाड़ दौरे को लेकर भाजपा को क्या फायदा होगा, कहां पर कौन से वोटर्स को साधने की इनकी कोशिश की जाएगी और साथ ही साथ क्या इन दोनों स्टार प्रचारकों से भाजपा प्रत्याशियों को फायदा होने वाला है। बात अगर सबसे पहले भीनमाल सीट की करें तो भीनमाल से पूरा राम पटेल जो है इस बार भीनमाल में स्थिति जो है अब जो अब तक की अगर बात करें, अब तक के समीकरणों की बात करें तो वहां कांग्रेस के प्रत्याशी जो है वो भारी पड़ रहे हैं। ऐसे में वसुंधरा राजे सिंधिया को भीनमाल सभा में एक पूरी तरीके से अपने जो वोटर्स हैं बीजेपी के जो वोटर्स माने जाते हैं उनको साधने की कोशिश करनी होगी। और ऐसा बताया जा रहा है कि वहां अगर वसुंधरा राजे सिंधिया की सभा होती है तो इससे कहीं ना कहीं भाजपा को सीधा फायदा होगा। और अगर बात इसी प्रकार सांचौर की करें तो सांचौर में जिस तरीके से बागी हुए भाजपा के नेताओं ने इस बार बीजेपी के प्रत्याशी सांसद देवजी भाई पटेल के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी है, ऐसे में योगी आदित्यनाथ का सांचौर दौरा कहीं ना कहीं देवजी भाई पटेल के लिए फायदेमंद होगा। लेकिन ये इस समय नहीं कहा जा सकता कि यहाँ पर योगी आदित्यनाथ के दौरे से सीधा सीधा जो है देवजी भाई पटेल है वो वन वे निकल रहे हैं या फिर उनका ग्राफ अचानक से बढ़ जाएगा, ये इस समय कहना मुश्किल होगा क्योंकि वहां जो वोटर्स हैं उनको जहां जाना है वो मन बुना चुके हैं। लेकिन हाँ, ये कहा जा सकता है कि इससे 3-5% जो मतदाता हैं वो इधर उधर हो सकते हैं इस योगी आदित्यनाथ के दौरे से। अगर इसी तरीके से बात अगर सबसे चर्चित शिव विधानसभा क्षेत्र की करें तो शिव विधानसभा क्षेत्र में योगी आदित्यनाथ एक बड़ी सभा को संबोधित करेंगे। करीब 2:30 बजे यहाँ पर योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे और उसके बाद किस तरीके से यहाँ जो मूल वोटर्स हैं बीजेपी के मूल वोटर्स हैं उनको साधने की जो है वो योगी आदित्यनाथ कोशिश करेंगे। क्योंकि अगर शिव विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो यहाँ इस बार 5 प्रत्याशी चुनावी मैदान में, कांग्रेस बीजेपी के अलावा 2 निर्दलीय बड़े चेहरे चुनावी मैदान में हैं, चाहे कांग्रेस से बागी हुए फतेह खान की बात करें या फिर हाल ही में भाजपा ज्वाइन करने वाले रविंदर सिंह बाटी की बात करें या फिर आरएलपी के प्रत्याशी जालम सिंह रावलोत की बात करें, तो बीजेपी के प्रत्याशी स्वरूप सिंह खारा के लिए योगी आदित्यनाथ का शिव दौरा कहीं ना कहीं संजीवनी साबित हो सकता है। क्योंकि ऐसे मायने निकाले जा रहे हैं कि इस समय जो मूल ओबीसी के वोट हैं या फिर जो मूल भाजपा के वोट हमेशा माने जाते रहे हैं वो इधर उधर बिखरे हुए हैं, तो योगी आदित्यनाथ के दौरे के बाद सीधा सीधा जो है उनको एक तरफ करने की कोशिश की जाएगी। और ऐसा बताया जा रहा है कि इसमें स्वरूप सिंह खारा जो है वो सफल भी हो सकते हैं। अगर बात इसी तरीके से धोरीमन्ना की करें तो धोरीमन्ना क्षेत्र में इस बार जो है वो हर बार ऐसा माना जाता रहा है कि वो कांग्रेस का गढ़ है, कांग्रेस के जो वहां से प्रत्याशी रहते हैं हेमाराम चौधरी वो हमेशा इस बेल्ट से मजबूत रहते हैं। ऐसे में वसुंधरा राजे सिंधिया की धोरीमन्ना में सभा होना अपने आप में एक बड़ी बात है और वहां से जो बीजेपी के वोटर्स हैं उनको साधने की पूरी कोशिश की जाएगी और सीधा सीधा फायदा भी इसको के बिश्नोई को हो सकता है। तो अब दोनों सभाएं होगी, उसके बाद हम आपको बताएंगे बाड़मेर की धोरीमन्ना और शिव, इसके अलावा शिवाना में भी सभा होगी योगी आदित्यनाथ की, तो शिवाना में भी कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ यही कोशिश करेंगे कि हमीर सिंह भायल के पक्ष में किस तरीके से माहौल बनाया जाए। क्योंकि वहां अब जो है हमीर सिंह भायल के सामने जो कांग्रेस के प्रत्याशी है मानवेंद्र सिंह वो टक्कर में आ चुके हैं, तो ये तमाम कोशिशें इन लोगों की रहेगी। और उसके बाद हम आज आपको विश्लेषण करके भी बताएंगे कि इसका फायदा किसको और कहां कैसा हुआ है। शुक्रिया।